हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। वो तो एक नारी है और एक स्त्री होकर वन में ऐसी घोर तपस्या कर रही है। त्रिपुंडाचार्य को ये बात बतानी होगी। एक स्त्री के तप से उन्हें भी आश्चर्य होगा। चलो चलो। आश्चर्य की बात है ही, एक स्त्री तप कर ही नहीं सकती। ये बात विधान के विपरीत है। यदि स्त्रियां वितरागी होकर तपस्या में लीन हो जाएंगी तो ग्रह धर्म नष्ट हो जाएगा। परंतु गुरुदेव, उस नारी के तप के कारण तेज उत्पन्न हो रहा है जिससे उसकी कुटिया प्रकाशित हो गई है। भोजदेव, इस समय विश्व में हम जैसा कोई तेजस्वी तपस्वी योगी है ही नहीं। तपस्या का ऐसा तेज फैल जाना असंभव है। आप स्वयं चलकर अपनी आंखों से देख लीजिए गुरुदेव, आपको विश्वास आ जाएगा। हम उस स्त्री से अवश्य मिलेंगे। पर्वत, हे प्रभु, आपने मेरी तपस्या को सफल बना दिया। मैं आपकी आभारी हूँ प्रभु, मैं आपकी आभारी हूँ। त्रिकूट पर्वत पर मेरी तपस्या को भी सफलता प्रदान करना प्रभु, सफलता प्रदान करना। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। हे प्रभु, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। जल्दी चलो सोमनाथ, आचार्य के लिए जल और भोजन का प्रबंध करना है, नहीं तो वो रुष्ट हो जाएंगे। वो देखो भोजदेव, ऐसा लग रहा है जैसे धरती पर सूर्य आ गया है। सोमनाथ, ये तो आश्चर्यजनक प्रकाश है। ओम विष्णुवे नमः। वो तो एक नारी है और एक स्त्री होकर वन में ऐसी घोर तपस्या कर रही है। त्रिपुंडाचार्य को यह बात बतानी होगी। एक स्त्री के तप से उन्हें भी आश्चर्य होगा। चलो चलो। आश्चर्य की बात है ही, एक स्त्री तप कर ही नहीं सकती। ये बात विधान के विपरीत है। यदि स्त्रियां वितरागी होकर तपस्या में लीन हो जाएंगी तो ग्रह धर्म नष्ट हो जाएगा। परंतु गुरुदेव, उस नारी के तप के कारण तेज उत्पन्न हो रहा है जिससे उसकी कुटिया प्रकाशित हो गई है। भोजदेव, इस समय विश्व में हम जैसा कोई तेजस्वी तपस्वी योगी है ही नहीं। तपस्या का ऐसा तेज फैल जाना असंभव है। आप स्वयं चलकर अपनी आंखों से देख लीजिए गुरुदेव, आपको विश्वास आ जाएगा। हम उस स्त्री से अवश्य मिलेंगे। Thank you.
देखिए, उस युवा कन्या के तप का तेज ऐसा लग रहा है जैसे आकाश के नीचे प्रकाश का एक नया आकाश बन गया हो। मूर्ख, किसी के तप का प्रकाश ऐसे नहीं फैलता। ये तपस्विनी नहीं, इसका इंद्रजाल है जो इस मायावनी ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए फैला रखा है। मैं अभी इसके इंद्रजाल को नष्ट किए देता हूँ। जाकर नष्ट कर दो उसके इंद्रजाल को। तू नहीं जानती मैं कौन हूं, मुझे यूं चुनौती देने का दुस्साहस मत कर। हे मायाविनी, तुझ जैसे ध्यानस्थ होगी मैंने बहुत देखे हैं। बंद करो अपना ये ढोंग और खोल दो अपनी आंखें और मेरे स्वागत के लिए खड़ी हो जाओ। मैं त्रिपुंडाचार्य, महान तपस्वी तथा महान योगी हूं। अपमान कर रही हो मेरा तुम। अंततः तुम्हें तप करने का नाटक बंद करना ही पड़ा ना। तुम तप और यज्ञ का आडंबर कर रही हो, परंतु एक बात कान खोल कर सुन लो। समस्त स्त्री जाति को तप करने का कोई अधिकार नहीं, तुम अधर्म कर रही हो। हे अहंकारी मनुष्य, यज्ञ जप तप के अधिकारी तो सभी मानव है, इसमें स्त्री पुरुष ऐसा भेदभाव कैसे हो सकता है? इस महान तपस्वी महाज्ञानी को तुम ज्ञान सिखा रही हो? नहीं वत्स, मैं तो तुम्हारा अज्ञान दूर करना चाहती हूँ। मायाविनी! जो एक योगिनी को मायाविनी समझता है उसे अज्ञानी नहीं तो और क्या कहूँ? अभी तुम्हारे ज्ञान ध्यान का भांडा फूट जाएगा। अच्छा बताओ, यज्ञ का क्या मतलब होता है? अपने मन पर अंकुश लगाना और विकारों के अधीन न होना यज्ञ है। प्रभु भक्ति में लीन हो जाना और प्रभु भक्ति में अपने आप को समर्पित कर देना यज्ञ है। हे अज्ञानी, तुम्हें इस बात पर आपत्ति है कि एक नारी तप और यज्ञ कैसे कर सकती है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि भगवान विष्णु और महादेव शिव शंकर और अन्य देवताओं ने अपने अपने तेज को मिलाकर महिषासुर मर्दिनी देवी दुर्गा को प्रकट किया था। देवी दुर्गा जिससे प्रकट हुई वो एक यज्ञ ही था। यदि यज्ञ से नारी का निर्माण हो सकता है तो एक नारी यज्ञ क्यों नहीं कर सकती? बस करो, अपने ज्ञान का बखान बस करो। तुम्हारी इतनी धृष्टता कि तुम मुझ जैसे महान योगी का अपमान करो, मैं अपनी योग विद्या से तुम्हें इसी समय नष्ट कर सकता हूँ। यदि मेरे प्रकोप से बचना चाहती हो तो मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आने में ही तुम्हारी भलाई है। अपनी योग विद्या का दुरुपयोग करना चाहते हो? तुम्हारे इस अपराध का दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। आज से, बल्कि अभी से मैं तुम्हारी सारी अर्जित विद्याएं आकर्षित कर लेती हूँ ताकि तुम कभी फिर इनका दुरुपयोग न कर सको।
तुम अपनी सारी शक्तियों को खोकर कंगाल हो गए हो। अब तुम्हारे पास योग विद्या भी नहीं रही है। कर दीजिए मैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप कोई साधारण नारी नहीं है, आप अवश्य ही लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती का ही अवतार हैं। अहंकार के अधीन होने के कारण मैं आपके सत्य स्वरूप को पहचान नहीं सका मैया। मुझे क्षमा कर दीजिए मैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे मैया, यह अहंकार इस सारे अज्ञान की जड़ है। ये जानते हुए भी मैं अपनी सिद्धियों के कारण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ योगी मानता था, दूसरों को तुच्छ समझता था। आपने मेरी आंखें खोल दी मैया, मेरे अहंकार को नष्ट कर दिया आपने। आपसे मुझे जो शिक्षा मिली है मैया, उस कारण आप जाने अनजाने में मेरी गुरु बन गई है मैया। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए मैया, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मेरा मार्गदर्शन कीजिए मैया, मेरे अज्ञान के अंधकार को दूर कीजिए मैया, दूर कीजिए। हे आचार्य त्रिपुंड, यदि अज्ञान को दूर करना चाहते हो तो सबसे पहले आप सूर्य देव का आदर्श अपने सामने रखिए। सूर्य देव से प्रेरणा लीजिए, जिस प्रकार सूर्य देव अपनी किरणों से संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार आप अपने ज्ञान के दीप से दीप जलाते जाइए। ज्ञान यदि शिष्य से भी मिले तो उसे भी अपनाते जाइए, और सदा याद रखिए कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। जो आज्ञा गुरुदेव। हे त्रिपुंडाचार्य, मैं आपकी आकर्षित की हुई विद्याएं आपको लौटा रही हूं। से ये त्रिपुंड लोक सेवा करेगा, भक्ति मार्ग का प्रसार करेगा मैया, ज्ञान को फैलाएगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए मैया। हे माता महालक्ष्मी, तुमने अधर्मी असुरों का विनाश किया है, भटके हुए साधुओं को धर्म के रास्ते पर वापस लाया है। तुम तो जगत माता हो मां, क्या एक विवश मां की विनती नहीं सुनोगी मां? हे जगत जननी, हे जगत माता, मेरी भी विनती सुन लो मां। मेरे पुत्र भैरव को भी धर्म के मार्ग पर आने का एक अवसर और दो मां। हो सकता है वो धर्म के मार्ग पर वापस आ जाए, अपने खीर पर पछताए, और इस प्रकार मेरी गोद उजड़ने से बच जाए। मां मेरी विनती सुन लो, मैया मेरी विनती सुन लो। मेरे पुत्र भैरव को जल बंधन से मुक्त कर दो मां। Thank you.
तथास्तु। देखो देखो वैष्णवी, मैं तुम्हारे बंधन से मुक्त हो गया हूँ। मैं मुक्त हो गया हूँ। तुम्हारी माया नष्ट हो गई है, परंतु तुम मुझे नष्ट नहीं कर सके। अब मैं जिसे चाहूँ नष्ट कर सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें भी। हाँ, तुम्हें भी वैष्णवी, परंतु मैं तुम्हें नष्ट नहीं करूंगा, कर ही नहीं सकता, इसलिए कि अब मैं तुम्हें नष्ट करना ही नहीं चाहता, तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं फिर तुम्हारे पास आ रहा हूँ, परंतु याद रखो, अब तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें बंदी बनाने आ रहा हूँ, विवाह के बंधन में बांधने आ रहा हूँ मैं। अब तुम्हारी माया मुझ पर नहीं चलेगी, अब चलेगा मेरे प्रेम का जादू। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा, परंतु पहले देख तो लूं मेरे पीछे मेरे राज्य की क्या अवस्था है। मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा, बस थोड़ी प्रतीक्षा और करो वैष्णवी, थोड़ी प्रतीक्षा और। Vaishnavi! Vaishnavi!